साथियों, भारत के शिक्षकों में किसी भी ग्लोबल स्टैंडर्ड पर खरा उतरने की क्षमता तो है ही, साथ ही उनके पास अपनी विशेष पूंजी भी है। उनकी विशेष पूंजी, ये विशेष ताकत है उनके भीतर के भारतीय संस्कार। और मैं आपको मेरे दो अनुभव बताना चाहता हूं। मैं प्रधानमंत्री बनकर के जब पहली बार भूटान गया तो वहां का राज परिवार हो, वहां के शासकीय व्यवस्था के लोग हो, बड़े गर्व से कहते थे कि पहले हमारे यहां करीब करीब सभी टीचर्स भारत से आते थे और यहां के दूर सुदूर इलाकों में पैदल जाकर के पढ़ाते थे। और जब ये शिक्षकों की बात करते थे, भूटान का राज परिवार हो या वहां के शासक, बड़ा गर्व अनुभव करते, उनकी आंखों में चमक नजर आती थी। वैसे ही जब मैं सऊदी अरेबिया गया और शायद सऊदी अरेबिया के किंग से जब बात कर रहा था तो वो इतने गौरव से मुझे उल्लेख कर रहे थे कि मुझे भारत के शिक्षक ने पढ़ाया है, मेरा शिक्षक भारत का था। अब देखिए, शिक्षक के प्रति कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी पहुंचे उसके मन में क्या भाव होता है। साथियों, हमारे शिक्षक अपने काम को केवल एक पेशा नहीं मानते, उनके लिए पढ़ाना एक मानवीय संवेदना है, एक पवित्र और नैतिक कर्तव्य है। इसलिए हमारे यहां शिक्षक और बच्चों के बीच प्रोफेशनल रिश्ता नहीं होता, बल्कि एक पारिवारिक रिश्ता होता। और ये रिश्ता, ये संबंध पूरे जीवन का होता है। इसलिए भारत के शिक्षक दुनिया में जहां भी कहीं जाते हैं अपनी एक अलग छाप छोड़ते हैं। इस वजह से आज भारत के युवाओं के लिए दुनिया में अपार संभावनाएं भी हैं। हमें आधुनिक एजुकेशन इकोसिस्टम के हिसाब से खुद तैयार करना है और इन संभावनाओं को अवसरों में बदलना भी है। इसके लिए हमें लगातार इनोवेशन करते रहना होगा, हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को लगातार रीडिफाइन और रीडिजाइन करते रहना होगा। जो स्पिरिट आपने अभी तक दिखाई है उसे हमें अब और ऊंचाई देनी होगी और हौसला देना होगा। मुझे बताया गया है कि शिक्षक पर्व के इस अवसर पर आप आज से 17 सितंबर हमारे देश में विश्वकर्मा जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये विश्वकर्मा अपने आप में निर्माता है, सृजनहार है। तो 7 तारीख से 17 तारीख तक अलग अलग विषयों पर वर्कशॉप सेमिनार आयोजित कर रहे हैं। ये आपने अपने आप में एक सराहनीय प्रयास है। देश भर के इतने टीचर्स, एक्सपर्ट्स और पॉलिसी मेकर्स जब एक साथ मंथन करेंगे तो इससे और आजादी के अमृत महोत्सव में इस अमृत की अहमियत और ज्यादा है। आपके इन सामूहिक मंथन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सफलतापूर्वक लागू करने में भी काफी मदद मिलेगी। मैं चाहूंगा कि इसी तरह आप लोग अपने शहरों में, गांवों में भी स्थानीय स्तर पर प्रयास करें। मुझे विश्वास है इस दिशा में सबके प्रयास से देश के संकल्पों को नई गति मिलेगी। अमृत महोत्सव में देश ने जो लक्ष्य तय किए हैं उन्हें हम सब मिलकर हासिल करेंगे।